अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कई बार राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन ने हलाल प्रोडक्ट को बैन करने की मांग करते आ रहे हैं। आखिर क्यों लोग हलाल प्रोडक्ट के पीछे पड़े हैं और इनका मकसद क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे क्या है हलाल प्रोडक्ट और हलाल किसको कहा जाता है और हलाल चीज खाने से इंसान के लिए फायदा भी है या नहीं, और जानेंगे हलाल और झटके में क्या फर्क है, और आखिर क्यों हलाल प्रोडक्ट का बिजनेस पूरी दुनिया में फायदामंद बिजनेस तसव्वुर किया जाता है, और हलाल के ताल्लुक से मॉडर्न साइंस की क्या राय है, और इंसानी सेहत पर हलाल खाने का क्या असर होता है, और क्या वाकई में हलाल लफ्ज एंटी हिंदू हो सकता है, और नॉन मुस्लिम हलाल सर्टिफिकेट जमीयत उलमा तंजीम से ही क्यों हासिल करते हैं, और नॉन मुस्लिम कारोबार हलाल प्रोडक्ट बनाकर मिडिल ईस्ट को क्यों भेजते हैं। तो यही जानने के लिए हमने बात की जमीयत कुरैश कर्नाटक के सदर कासिम शोएबुर रहमान कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी आसिफुल्ला कुरैशी से। तो आप भी सुनिए। हलाल जो है इसलिए परमिट किया गया है ताकि इंसानों की सेहत के लिए उन्हें जो है सूटेबल हो। साइंटिफिक तरीके से हलाल को जो है बहुत ही गहराई से देखा गया है और ये तस्लीम कर चुकी है कि हलाल जो है इंसानों के लिए साइंटिफिकली, ये जो जुबाह करते हैं जानवर को जुबाह करना या कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करना या जो भी इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, इसे जो है पहले तरजीह दी गई है हलाल को। जो चीज़ हराम है, जो नाजायज़ है, जो इंजीरियस टू हेल्थ है, जैसे कि टुबैको है, जैसे कि नशीली चीज़ें हैं, ये सब जो है हराम में आ जाती है। हलाल उसे कहा जाता है जो इंसान की सेहत का ख्याल कर सके। साइंटिफिकली इसे जो है सर्टिफिकेट मिल चुकी है के जो है जानवर को किस तरीके से जुबा करना, हलाल तरीके का मेथड जो है पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो है इसे जो है सराहा गया है। ऑल इलीगल स्लॉटर हाउसेस जो स्टनिंग के ऊपर जो शॉक देकर जो करते थे उसको बैन कर दिया गया है, हलाल मेथड को जो है अप्रूव किया गया है। आपको मैं ये हलाल वर्ड जो है, इट्स नॉट ए एंटी हिंदू वर्ड, इट्स ए टोटल ह्यूमैनिटी के लिए जो है ये सेहतमंद और आफियत रखती है। इसे जो है हिंदू मुस्लिम बनाना और परसेंटेज डालकर जो है 15% जो है 85% के ऊपर हावी होना, ये दिस इज नॉट ए सेंसिबल क्वेश्चंस। ये सब जो है लोगों के अंदर इंतजार फैलाना, शर करना, ये मकसद है। अगर आप संजीदगी से सोचें तो आप जो है ब्राह्मण्स, जो ओल्ड ब्राह्मण्स हैं, जो ओल्ड इसके अंदर जो अकीदा रखते हैं, वो भी जो है गोश्त खाते हैं। लेकिन अब जो नया ट्रेडिशन चला है इसके अंदर जो है नहीं खाते, ठीक है, कोई बात नहीं है। कोई आपको फोर्सेबल नहीं कर रहा है कि आप जो है आकर हलाल ही खाइए। किसने कहा है आपको कि आप हलाल पर तरजीह दीजिए? नहीं, जो आदमी जिस तरीके से जीना चाहता उसे जीने दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में मत जाइए। क्यों इसको जो है फैलाकर जो है इंतजार फैलाने की कोशिश की जा रही है? ये किसी एक मजहब का मामला नहीं है, ये जितने भी इंसानियत का जो है इसके लिए बहुत फायदेमंद चीज है हलाल। हलाल के माने जो है परमिटेड, नॉन प्रोहिबिशन और परमिटेड में फर्क है। आप जो है जितने भी कॉस्मेटिक है जिसके अंदर जो है बुरे जानवर कि चर्बी इस्तेमाल की जाती है उसको जो है हराम किया गया है। सर्टिफिकेट इसलिए दी जा रही है जहां गल्फ कंट्रीज के अंदर आपका माल अप्रूव होना है तो उन्हें हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। हलाल सर्टिफिकेट इशू करने वाले लोग आपके पीछे नहीं फिर रहे, आप उनके पीछे फिर रहे कि हमारे प्रोडक्ट को आप हलाल सर्टिफिकेट दीजिए ताकि हम इसको दूसरे कंट्री में भेज सके। पतंजलि जो है, पतंजलि वो क्या है, वो क्या है, वो भी हिंदुओं का है। बहुत सारे जो है गैर कौम जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके इंडस्ट्रीज है, मीट इंडस्ट्री है, ये लोग भी जो है हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं। जो बायर है उनके रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है वो हलाल सर्टिफिकेट मांगते हैं। जुबान में हद नहीं है, जो मुंबई बजाज है, हाँ, हिंदू जागृति समिति वाले जो है इंतजार फैलाने के लिए दूसरे मसाइल से जो है हटकर लोगों का ध्यान इस तरफ जाकर जो है जो भी इनके कमजोरियां हैं उस पर पर्दा डालने के लिए ये सारी बातें उठा रहे हैं। इसका कोई वजूद ही नहीं है
क्या इससे किसी आम आदमी की जिंदगी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या जो आदमी हलाल खाना चाह रहा है वो हलाल खाएगा, जो आदमी हराम खाना चाह रहा है वो हराम खाएगा? यहाँ हमारे लिए जो है बुरे जानवर का गोश्त खाना हमारे लिए हराम है, हम लोग नहीं खाते, जिससे जायज है वो खा रहे हैं। हमने कब रोका है? हमने किसके ऊपर कब थोपा है कि आप जो है हलाल ही खाइए, आप जो है इसी तरीके को लीजिए, उस तरीके से जिए? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है हमें जो है जो भी है खाने का राइट हमारा है, पहनने का राइट हमारा है, हम इसी के लिए जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर भी जो है इसके तहत जद्दोजहद करते रहेंगे। और हाल ही में जो कर्नाटका में जो झटका और हलाल का जो इशू चला, उनका उनका एजेंडा सिर्फ एक दिन भी नहीं चला, एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर्स को पता चल चुका कि वो लोगों जो जो लोग जिस तरह से मीट बेचे, जिस तरह से उन्होंने प्रोसेस करके मीट बेचा गया था, वो बिल्कुल लोगों के स्टैंडर्ड के मुताबिक भी नहीं था। अब शाम तक उनका पूरा एजेंडा फेल हो गया और जो कस्टमर गए थे खरीदने के लिए वापस, बहुत से कस्टमर्स वापस आके हमारा हलाल मीट खरीदे। अच्छा, अब उन लोगों का एजेंडा था कि झटका मीट हलाल मीट से अच्छा है और हेल्थ के लिए अच्छा है, अब वो प्रूव नहीं कर पाए कि अच्छा है। शाम तक रिजल्ट, शाम तक हमें रिजल्ट मिल चुका, लोगों ने शिकायत कर दी कि वो लोग वो मीट अच्छा नहीं है, और साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड, साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड द रनिंग ब्लेड कैरीज बैक्टीरिया, साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड द रनिंग ब्लेड इज कैरीज बैक्टीरिया व्हेन द एनिमल इज स्लॉटर्ड बिफोर द एनिमल डाइज द रनिंग ब्लेड कैरीज ऑल द बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम द बॉडी, हेंस द मीट इज फिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज द पर्पज ऑफ हलाल व्हाट It is traditionally following from last thousands of years. See, in jhatka meat, the way of process is very harsh. No human can see how it is slaughtered. How brutally they slaughtered. If any common man sees, he will not going to have the interest to eat that meat. They simply bring that live animal to stand, and from the back side, from the back of the neck, they will have a one shot. Then immediately, the head removes from the body. As soon as the head removes from the body, the blood get clots. It won't come out of the body immediately. Hence, once the animal dies, all the running blood which carries bacteria, it stays in the meat. If that meat the person eats, we don't know what will happen. If that animal carries any infectious disease, that will go inside the human. How he will consume that meat? अच्छा, one more thing, जो जिस तरह से जो traditionally जो हलाल तरीके से जो जानवर को ज़बा होता है, जानवर के अंदर एक विंड पाइप होता है, एक आर्टरी होती है, एक फुट पाइप होता है, अलॉन्ग विद दैट एक सेंसिटिव नर्व होती है दैट कैरीज पेन सिग्नल टू द ब्रेन, एक और एक नर्व होती है जो दर्द का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाती है। अगर हम जुबा करते हैं तो पूरे चार वेंस भी कट जाते हैं, विंड पाइप भी कट जाता है, फुट पाइप भी कट जाता है, मेन आर्टरी भी कट जाती है, और एक नर्व जो है जो पेन सिग्नल ब्रेन जो बन जाती है वो भी कट जाती है। इससे जानवर को कोई पेन नहीं होता, और जितना भी ये जो रनिंग ब्लड है आसानी से जानवर के बाहर आ जाता है, और ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छी चीज है, जो ग्लोबली पूरे कंट्रीज Around the globe, they have approved the way of slaughter. What is it called? Halal. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बरवक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।